पढ़ाई नहीं हो पाती आपसे, तो मैं आपको रिसर्च के साथ में सॉल्यूशंस देने वाला हूँ जो परमानेंट रहेंगे। मोटिवेशन यहाँ नहीं मिलेगा, वो आप सुनोगे, पढ़ाई करोगे, फिर से एनर्जी आपकी लो हो जाएगी। मैं आपको देने वाला हूँ परमानेंट सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशंस, कि कैसे एक स्टूडेंट 100% कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई कर सके, बिना फोकस टूटे, वो भी लगातार, बिना बोर हुए, बिना बीच में उठे। तो चलो बिना लंबी बात करें सॉल्यूशंस पर टूट पड़ते हैं। देखो मैं जो भी सॉल्यूशंस बताऊं तो पहले से अज्यूम मत करना कि ये तो मुझे पहले से पता है, ये तो मैंने सुन रखा है, क्योंकि मैं रिसर्च के साथ में जो भरोसा दिलाने वाला हूँ, इससे आपके दिमाग को एक ऐसा एक ट्रस्ट हो जाएगा कि ये बात सही है। उसकी वजह से होगा क्या कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको कन्विंस कर देगा पढ़ाई करने के लिए कि ये बात सच है, ये ऐसा होता है। तो हो सकता है कि 20% 30% आपको बातें ऑलरेडी पता हो, पर 70-80% तो नया लेकर जाओगे ना इस वीडियो से। सबसे पहले मोबाइल की बात कर लेते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। स्टडी करते टाइम डिस्ट्रैक्शंस पैदा करने में सबसे मेन रोल अगर किसी चीज का है तो वो है मोबाइल फोन। पढ़ाई करते टाइम अगर कोई चीज है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है तो वो है मोबाइल या टैबलेट। इनके अंदर जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस होती है, जो उनके नोटिफिकेशंस आते हैं, उनकी वजह से हम बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक नोटिफिकेशन आपके फोकस को कुछ सेकंड्स के लिए तोड़ सकती है और उसी टूटे फोकस को फिर से बनाने के चक्कर में आप काफी टाइम खो देते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन के अकॉर्डिंग किसी भी काम या स्टडी को करते टाइम अगर आपका फोकस टूट जाता है या आप किसी रीजन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो आपको उस काम पर फिर से पूरी तरह फोकस बनाने के लिए 23 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स का टाइम लगता है। ये रिसर्च करी उन्होंने। इसीलिए स्टडी करते टाइम या किसी भी काम को करते टाइम जिसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तब आपको अपने फोन को या तो फ्लाइट मोड में डालना चाहिए, नोटिफिकेशन सारे ऑफ करनी चाहिए, इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस होती है ब्लॉक करने की, या फिर अपने फोन को दूसरे रूम में रखना चाहिए। दूसरी टेक्निक पर बात करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। काफी लोगों ने ऑलरेडी सुन रखा होगा। पोमोडोरो टेक्निक स्टडी या किसी भी काम को करने के लिए सबसे सक्सेसफुल टेक्निक में से एक है, जिसे फ्रांसिस्को सिरिलो ने 1980 में डेवलप किया था। पोमोडोरो के अंदर आपको स्टडी स्टार्ट करने से पहले 25 मिनट्स का अलार्म सेट करना होता है, आपको टाइमर सेट करना होता है और पूरे फोकस के साथ में अपनी पढ़ाई उस वक्त में आपको करनी होती है। और जब टाइमर बजने लग जाता है, यानी कि 25 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब आपको रिलैक्स करना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 25 मिनट की आपको पढ़ाई करनी है, ये आपको लगातार करते जाना है। ऐसा 3 से 4 बार करने के बाद फाइनली अपने आपको 30 मिनट्स का ब्रेक देना है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस एलेहेंड्रो लेरस की स्टडी में सामने आया कि किसी टास्क पर फोकस रहकर काम करने के बीच में अगर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तो ये हमें और ज्यादा फोकस्ड रहने में हेल्प करती है। अब मैं अजीब सी एडवाइस देने वाला हूँ जो मेरे लिए काफी वर्क करती है। आपको क्या करना है, आपको वेबकैम या मोबाइल के कैमरे को ऑन करना है और उसके सामने पढ़ना है आपको। अपने आपको स्टडी करते टाइम कैमरा या वेबकैम से रिकॉर्ड करने से अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि उस काम को करते टाइम जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आती है कि मुझ पे नजर रखी जा रही है, मैं रिकॉर्ड हो रहा हूं, तो आप वो रिकॉर्डिंग खराब नहीं करोगे और इस वजह से आपका फोकस बढ़ जाएगा। जैसे अगर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरा माइक ऑन है, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग ऑन है तो मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। चाहे मेरे फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा हो, कॉल आ रहा हो, या फिर मुझे कोई बुला रहा हो, कुछ भी हो जाए, मेरा फोकस मुझे बनाना है रिकॉर्डिंग के अंदर। तो जब कोई भी रिकॉर्ड हो रहा होता है तो हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है कि अरे ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, एक बार अब ये करके देखो, सीरियसली इट्स वर्किंग। अब मैं वो एडवाइस दे रहा हूँ जो 7वीं से अपने टीचर्स को मैं देता आया हूँ, वो है सीखने के लिए पढ़ो, मार्क्स के लिए मत पढ़ो। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे आगे जाकर के सॉफ्टवेयर बनाना है, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो भी कोडिंग लैंग्वेजेस है वो मुझे सीखनी होगी। आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए कि मुझे केवल मार्क्स लाने हैं। जब आपको वजह मिल जाती है पढ़ने की तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आता है कि मुझे पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 10th में था तो मैं HTML, मुझे कोई कह नहीं रहा था कि पढ़ना है, लेकिन मैं खुद से पढ़ रहा था। डैनियल वॉन्ग जो हैप्पी स्टूडेंट नाम की बुक के ऑथर है, उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स अगर अपने माइंड में मेन मोटो सीखने का रखेंगे, ना कि ज्यादा ग्रेड्स लाने का, तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि सीखते टाइम ग्रेड्स के बारे में सोचते वक्त माइंड में एक स्ट्रेस पैदा होता है, एक टेंशन पैदा होती है स्टूडेंट के माइंड में, और वो जब ग्रेड्स के बारे में ज्यादा सोचता है तो उसके दिमाग में कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, और इसी हार्मोन की वजह से एक ऐसा डर पैदा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, वो घबरा जाता है, जिसकी वजह से फोकस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और वो एग्जाम से पहले पढ़ नहीं पाता है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। मैं एक्सरसाइज की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मुझे मैजिकल चेंजेस दिख रहे हैं अपने अंदर। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी हमारी कॉग्निटिव स्किल्स जैसे कि कंसंट्रेशन और अटेंशन पर असर डालती है। मतलब आप तेज हो जाते हो, बहुत तेजस बन जाते हो आप। रिसर्चर्स ये भी बताते हैं कि शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो हमारे ब्रेन तक सही तरीके से पहुंचता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, जिससे मूड पे फर्क पड़ता है, स्लीप क्वालिटी बढ़ जाती है, आप अच्छे से सो पाते हो और स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, आप कूल रहते हो, आप कूल मित्र बन जाते हो।
अब बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, क्योंकि प्लानिंग के बिना तो यार आप कहीं जा ही नहीं सकते। प्लान बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं कल से साइंस पढ़ूंगा, मैं परसों मैथ्स पढ़ूंगा। स्टडी के प्लानिंग को हमेशा थोड़ा डिटेल में प्लान करो। फॉर एग्जाम्पल कि आज या कल मैं 35 या 30 पेजेस में इस समरी के पढ़ूंगा, इस किताब के पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ूंगा। ये क्यों करना है, मतलब ये हमें क्यों करना है, ये हमें टारगेट क्यों बनाना है, हमें प्लानिंग क्यों करनी है। इससे होता यह है कि जब आप ये प्लान बनाने के बाद में उसको अचीव कर लेते हो, जब आपने बनाया कि मुझे 30 पेजेस पढ़ने हैं या फिर आपको एक लेसन पढ़ना है, तो वो अचीव होने के बाद में आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपको एक फील आती है कि यार मैंने कर दिया। आपकी विल पावर बढ़ जाती है अगली पढ़ाई के लिए। जब हम कोई एक चीज़ सही से कर लेते हैं तो हमें दूसरी चीज़ और सही से करने का एक मोटिवेशन मिलता है, जिसको हम सेंस ऑफ अचीवमेंट बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, जिसको कहते हैं डोपामाइन। अब बात करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में, जो मैं खुद करता हूँ रिकॉर्डिंग से पहले और स्क्रिप्ट लिखने से पहले। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से स्टडी और लर्निंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ट्रिनिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ने एक स्टडी में बताया है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से बॉडी में नॉरेडरेनालिन का प्रोडक्शन काफी मात्रा में बढ़ता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। और ये भी बताया है कि ब्रीथिंग और स्टेबल माइंड के बीच में बहुत गहरा कनेक्शन होता है। अब बात करते हैं स्टडी कहाँ आपको करनी चाहिए। कई लोग होते हैं जो बेड पे लेटे हुए पढ़ाई करते हैं और ये मानते हैं कि मैं कूल हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। लेकिन इससे होता क्या है कि जब आप लेटे हुए होते हो तब आपकी बॉडी जो है वो आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि आप रिलैक्स मोड में हो, आपको एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जब आप चलते हो तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को संकेत देती है कि आप अब रिलैक्स नहीं हो। तो इसी तरह से जैसा आप रिएक्ट करते हो बॉडी को, जैसा आप मोड़ते हो, जो भी करते हो, वैसा आपका सिग्नल जाता है ब्रेन को। सो कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपको एकदम अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी होगी। जैसे अभी मैं एक्टिवली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी कमर सीधी करके बोल रहा हूँ। अगर मैं खुद लूज होता, मैं खुद आलसियों की तरह बैठा होता, पढ़ा होता, तो शायद मेरी आवाज़ में भी एनर्जी नहीं होती। तो आपकी बॉडी का जो पोस्चर होता है उससे सिग्नल जाता है आपके ब्रेन को, और वैसा ही आप रिएक्ट करते हो, वैसे आपका दिमाग काम करता है। उसके बाद में सबसे आखिरी एडवाइस है, जो मेरी अब तक की सबसे बेस्ट एवर एडवाइस रही है और इसी एडवाइस की वजह से मेरी जिंदगी बदली है, वो है लिसन म्यूजिक। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। इससे पहले स्क्रिप्ट लिखी थी तभी म्यूजिक सुना था। म्यूजिक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तब मैं म्यूजिक सुनता हूँ। जब मुझे सुबह उठने में दिक्कत होती है तब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्लासिकल म्यूजिक जो होते हैं आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे, तो क्लासिकल म्यूजिक हमारे फोकस को एक जगह रखने में काफी हेल्प करते हैं। डॉक्टर माशा गोडकिन, जो कि नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उन्होंने एक रिसर्च में बताया कि क्लासिकल म्यूजिक हमारे ब्रेन को बीटा ब्रेन वेव स्टेट से डीपर अल्फा स्टेट में ले जाता है। अब इससे होता यह है कि इससे माइंड का ज्यादा हिस्सा काम करने लग जाता है, आपकी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। तभी तो आप कई बार होता है कि सॉन्ग सुनते हो, कुछ भी सुन लेते हो, आपको याद आना शुरू हो जाता है कुछ भी। तो ऐसे म्यूजिक आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा काफी। वैसे अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आपसे पढ़ाई नहीं होती, आप आलसी हो, आपको लगता है कि मैं बहुत टैलेंटेड बंदा हूँ, मैं मार्क्स ला सकता हूँ, मैं ये हो सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, आपका फोकस नहीं बन रहा है, आप चीज़ों को टालते जाते हो, आप पढ़ाई को टालते जाते हो, कल पे टालते हो, लेकिन वो होता नहीं है। तो मैंने वैज्ञानिक तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ इन सब के बारे में, कि कैसे कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो, कैसे आप टालने के कीड़े को मार सकते हो और कैसे आप अपने आलस को मार सकते हो। इस बुक का नाम है टालने का कीड़ा। मैं पहले बहुत लेजी था, मुझसे एक जगह से उठ करके कोई काम नहीं होता था, और आज आलस क्या होता है मुझे समझ नहीं आता। तो ये कैसे हुआ, ऐसे मैंने क्या तोड़ निकाला, वो मैंने बता रखा है इस ईबुक में। इसकी प्राइस इतनी कम है कि इससे 10 गुना ज्यादा आप पे कर लेते हो नेट पैक में, और उससे आप फालतू का कंटेंट कंज्यूम करते हो। इसकी प्राइस है सिर्फ 39 रुपीज। अगर आपको ये ईबुक पीडीएफ फाइल में अपने फोन में अभी डाउनलोड करनी है, तो इस ईबुक का डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जाओ, इस पे क्लिक करो और इस बुक को अभी पढ़ने शुरू करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।